पास BMW X4 आई हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका कंप्लेन क्या है। देखिए पीछे से पूरी ठुक गई है, हमारा जो डिक्की है इतना भयंकर ठुका है कि देखिए जो बॉर्डर का ये जो लाइन आता है धारी, देखिए पूरा ब्रेंड हो चुका है। तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ एक कंपनी में गाड़ी गया था तो उन्होंने बोला कि डिक्की रिप्लेस करना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास आई हुई है, तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसको रिपेयर करने के लिए फ्रंट जो स्पॉइलर है ये ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांच का बॉर्डर है ये देखिए यहाँ भी डेंट है, ये देख सकते हैं। तो ये डेंट हमको ओपन करने के लिए कांच हमको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर अगर हथौड़ी एक भी मारेंगे तो कांच इसका फूट जाएगा, और कांच भी बहुत महंगा है। इसके लिए हम कांच ओपन करेंगे, कांच ओपन करने के लिए हमको स्पॉइलर ओपन करना पड़ेगा, डिक्की के अंदर का जो जितने भी पार्ट्स है वो सारे ओपन करना पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्पॉइलर और डिक्की के अंदर जितने भी पार्ट्स है ओपन कर लेते हैं, फिर ओपन करके फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसके डिक्की के अंदर का जो भी पार्ट्स आता है, ये देखिए साइड के जितने भी कवर आते हैं, ये साइड में दोनों साइड में कवर आता है और एक बीच का इधर कवर आता है। तो हमने सारे कवर तीनों कवर ओपन कर दिए हैं, क्योंकि कांच हमको ओपन करने का है, कांच ओपन करने के लिए हमको ये सब ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए हमने ओपन करके रखा है, इसका स्पॉइलर भी हमने खोल दिया है। ये देखिए स्पॉइलर में इसमें क्लिप आता है और नट आता है, देखिए ये देखिए चार स्टड है जिसमें नट लगेगा अंदर से, और चार क्लिप भी है इसमें, प्रेसिंग क्लिप, डोर क्लिप ऐसा। तो हमने क्लिप भी हम आपको डिक्की बंद करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसका स्पॉइलर ओपन कर दिया, देखिए इसमें क्लिप लगा हुआ है। तो ये सारे हमारे चीज़ ओपन हो चुके हैं, अब हम कांच वाले को बुला रहे हैं कांच ओपन करने के लिए। कांच ओपन करने के बाद फिर हम इसमें डेंटिंग का काम चालू करेंगे। देखिए जो भी डैमेज है, देखिए पूरा डैमेज हो चुका है, ये देखिए पूरा बेंड हो चुका है, यहाँ से देखिए बॉर्डर आ चुका है कांच पे। इसके लिए हमको कांच ओपन करना पड़ेगा, हमें इसका लाइट भी ओपन करना पड़ेगा डिक्की का, दोनों साइड का। देखिए मैंने एक साइड का लाइट ओपन कर दिया, दूसरे को ओपन कर रहे हैं। तो हमने इसका डिक्की का लॉक भी ओपन कर दिया। डिक्की का लॉक इसके लिए ओपन किया कि अगर डिक्की हमारा गलती से अगर बंद हो जाएगा तो खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसका जो सॉकेट आता है बटन ओपन करने वाला वो हमने ओपन कर दिया है, तो इसके लिए खुलेगा नहीं। इसके लिए हमने इसका डिक्की का जो लॉक आता है वो भी ओपन कर दिया है। अब सिर्फ इसका कांच ओपन करना बाकी है, कांच ओपन करने के बाद फिर हमारा डेंटिंग का काम चालू होएगा। तो हम ये डिक्की ओपन करने का जो लॉक है इसको भी ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा इधर डेंट है, डेंट ओपन करने के लिए इसको भी ओपन करना पड़ेगा। T30 का 3 एलंकी है, ये तीनों एलंकी ओपन कर देंगे तो हमारा ये लॉक बाहर आ जाएगा। ये डिक्की ओपन करने का बटन है जिसे आप डिक्की ओपन करते हैं, क्योंकि इसका एक एक पार्ट सब ओपन करना पड़ेगा, तो हम एक एक पार्ट से ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं खींचता हूँ। हमने इसका देखिए तीनों बोल्ट भी ओपन कर दिया है, बोल्ट ओपन करने के बाद भी देखिए इधर लॉक है, ये ब्लैक साइड में ऐसा 3 लॉक है, लॉक दबाना पड़ेगा। ठीक है, हम लॉक दबा रहे हैं। हाँ, निकालिए। देखिए हमारा बाहर आ गया, ये हमारा BMW लोगो के साथ पूरा बाहर आ चुका है। ठीक है, 3 बोल्ट ओपन करके साइड में 3 लॉक है, लॉक हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक लॉक, ये 2 लॉक और ये 3 लॉक, तीनों लॉक प्रेस करेंगे तो ये आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी ओपन हो चुकी है काफ़ी। तो हम लोग इसको 2 स्टाइल से इसका मोनोग्राम निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, आर्मेचर तार से भी निकाल सकते हैं और ये जो पेंटर जी का पट्टी आता है उससे भी निकाल सकते हैं, लामी पुट्टी भरने वाला जो पट्टी आता है। ये हमारा राइट साइड का लोगो निकल चुका है, अब लेफ्ट साइड में जो हमारा X4 आता है वो निकालेंगे। ये हमारा 4 निकल चुका है, X बाकी है। तो ये हमारे सारे लोगो निकल चुके हैं, इसके डिक्की में जितने भी पार्ट्स आते हैं हमने सारे ओपन कर चुके हैं, देख लीजिए सारे पार्ट्स ओपन करके हमने यहाँ अंदर रखा हुआ है। जितना कवर आता है डिक्की में, जो लाइट वाइट आता है, लॉक वॉक सब हमने ओपन कर दिया है। BMW का जो डिक्की था वो हमने बाहर खोल कर ले लिया है इसका डेंटिंग का काम करने के लिए। देखिए हमारा डेंटिंग का काम चल रहा है, देखिए ये BMW का डिक्की है, हमारा डेंटिंग का काम चालू है।
ये देखिए, ये जो हिस्सा था ये पूरा चपटा हो गया था। डिक्की फाइनल हो चुका है। ये डिक्की के अंदर से हमने दो पतरा कटिंग किया था इसका डेंट निकालने के लिए, तो पतरे को भी वेल्डिंग मार देंगे और वेल्डिंग मार के भी डिक्की को फाइनल कर देंगे। ये बिना पतरा कट किए इसका डेंट नहीं निकलता था, तो इसके लिए अंदर से पतरा कटिंग करके फिर इसका डेंट कर लिए हैं। और अब डेंट करने के बाद, फाइनल होने के बाद, इसका दोनों पतरा हम पैच मार देंगे। तो ये हमारा वेल्डिंग करके दोनों पतरा फाइनल करके फिर आपको दिखाते हैं। हमने वेल्डिंग कर दिया पूरी तरह से, ये दोनों पतरा हमने कटिंग किया था अंदर से मारने के लिए, क्योंकि किधर ये देखिए, हाथ डालने के लिए कहीं से जगह नहीं है। जो जिस जगह पे डेंट था वहाँ कहीं से हाथ जाने लायक जगह नहीं था, इसके लिए हमने दोनों पतरा कटिंग करके बाहर निकाल कर फिर यहाँ से हथौड़ी से मार कर जो पीछे का डेंट था उसका फिनिशिंग किया है। तो इसको भी हमने फाइनल कर दिया है। तो ये डिक्की हमारा पूरी तरह से डेंट का काम फाइनल हो चुका है। अब हम पेंटिंग का काम चालू करेंगे। देखिए, पेंटिंग का काम चालू हो गया डिक्की का। इसमें लामी पुट्टी भर के सब रखा गया है, इसको अब घस कर फिनिशिंग कर लेंगे। ये जो ऊपर नीचे सब है ये सूखने के लिए रखा है, जैसे सूख जाएगा तो इसको घस के एक लेवल करके फिर इसके ऊपर अस्तर मार के और फिर फाइनल पेंट करेंगे। देखिए, इसका लाइन लेवल जो भी है सब ले लिया गया है। ये देखिए जो भी धारी है। लामी पुट्टी भर के हमारा घसाई विसाई होके हो गया है, हमने इसमें अस्तर मार के रखा है। देखिए डिक्की में, ये हम BMW का डिक्की जो है फिट कर रहे हैं। ये हमारा पेंटिंग होके फाइनल हो चुका है। अब फिट होने के बाद फिर हम इसका कांच लगाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल करेंगे। तो BMW का हमारा डिक्की फिट हो चुका है, अब हम इसका कांच लगाने जा रहे हैं। हमने इसका सिर्फ अभी डिक्की लगाया है, एक लॉक लगाया है डिक्की ओपन और क्लोज करने के लिए। ये अब हमारा कांच फिट हो रहा है, इसमें ग्लास का सिलेंडर भर दिया गया है। ये गैप चेक करो आप, और दोनों खड्डा गैप चेक करो, दोनों भी गैप चेक कर देंगे, ये भी और वो। लगा ग्लास फिट हो चुका है फाइनल। अब इसको हम टेप मार कर रख रहे हैं ताकि हमारा ग्लास इधर उधर हिले नहीं। हमारा एक कांच लगाकर पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। देख लीजिए, हमने कल रात को इसको इसका कांच लगवाया था और इसमें टेप भी मार के रखा था। देखिए, अभी तक हमारा टेप लगा हुआ है क्योंकि हमने पूरी रात इसको छोड़ा था ताकि हमारा कांच प्रॉपर फिक्स बैठ सके। क्योंकि क्या है, हैवी गाड़ी है ये, रनिंग में गाड़ी चलाने की वजह से अगर हम तुरंत टेप निकाल देंगे तो कांच निकल भी सकता है। हम अभी इसका जो भी चीज़ें ओपन किए थे सारी चीज़ें फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। इसका जो भी चीज़ अंदर से ओपन किया था, इसका लाइट वाइट, साइड पट्टी वट्टी सब फिट कर देंगे। तो फ्रेंड, हमने इसका जो भी चीज़ ओपन किया था सारे चीज़ फिट कर दिए हैं। तो देखिए, हमारा डिक्की ओपन भी हो रहा है, ये हमारा डिक्की क्लोज भी हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा डिक्की हमने जो भी ओपन किया था सारी चीज़ हमने लगा दिया है। ये देखिए, इसका दोनों जो टेल लाइट ओपन किया था वो भी, BMW का लोगो आता है वो भी, सारा हमारा चीज़ फिट हो चुका है। सिर्फ हमने इसमें टेप लगा के रखा है क्योंकि हमें कांच वाले ने बोला है 2 दिन तक टेप मत निकालिएगा करके।
बाकी सारी चीज़ें हमारा फिट हो गया है, तो हम कल इसका टेप निकालेंगे, उसके बाद वॉश वॉश करके गाड़ी कस्टमर जी को डिलीवरी दे देंगे। ये डिक्की का डेंट हमने करने के लिए जो भी चीज़ें ओपन किया था, देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें फिट हो चुकी है। हमने डोर पेड ओपन किया था, इस साइड का जितना कवर आता है सब ओपन किया था, ये ओपन किया था, ये ओपन किया था, जो भी हमने जितने भी सारी चीज़ें ओपन की थी, ऊपर का देखिए लाइट दोनों ओपन किया था, ये भी हमारा फिट हो गया है। लोगो हमने ओपन किया था, स्पॉइलर हमने ओपन किया था, तो जो भी चीज़ फ्रंट इसमें हमने ओपन किया था, ये सारी चीज़ें हमारी फिट हो चुकी है। हमारी गाड़ी भी ओके हो चुकी है, देख सकते हैं जो फिनिशिंग विशिंग जो भी है दाढ़ी वाली बराबर है। ये पीस हमारा फ्रंट एकदम चपटा हो गया था, जिसे हमने डेंट रिपेयर करके इसको बराबर किया है प्रॉपर। देखिए जैसे कि पूरा लाइन लेवल हमने एकदम बराबर लाया है, देख सकते हैं दोनों बाजू। तो ये आज का हमारा वीडियो था BMW के डिक्की डेंटिंग पेंटिंग का। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाथ जोड़कर निवेदन है सब्सक्राइब करना ना भूलिए।